श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्रीमा श्रीमा भागवत ज्ञानगंगा यज्ञ महोत्सव भगवान ठाकुर जी महाराज गोपाल कृष्ण शालिग्राम श्री कल्लू जी महाराज के विवाह महोत्सव में पधारे सभी वैष्णव भक्तगण, कथा में विराजमान कथा रसिक साक्षी देवी जी एवं बद्रीनाथ जी का श्रृंगार करने वाले श्रृंगारी बाबा पावन प्रांगण में विराजमान बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण एवं मेरे नगर के सभी श्रोता भाई बहन, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सेवा देने वाले सभी कार्यकर्ता बंधु एवं इस पुण्यमय भूमि मानक भाग में आयोजन की सुगति देने के लिए पूरा विनय जी रूठिया, विवेक जी रूठिया, कपिल जी रूठिया, पूरा रूठिया परिवार, जिनका इस पावन प्रांगण की भूमि पर भगवान की भक्ति को श्रवण करने का सौभाग्य मिला, कुछ भूमि का सुख होता है जहां पर परमात्मा की कथा सुनने का भी मन करता है। कोई भूमि ऐसी होती है जहां पर भगवान का भजन करने का भी मन नहीं होता, चाहे तुम शुद्ध भाव से भी बैठ जाओगे तो भी चित्त नहीं लग पाएगा। सेवा करने वाली की सेवा भी कई भूमियों पर ऐसा होता है कि छूट जाती है। अगर आप आंख से अंधे हो, शरीर से तो अंधे नहीं हो ना, और अगर शरीर से तुम बेकार नहीं हो तो फिर कम से कम तुम्हें पैदल चलना चाहिए तीर्थ करने के लिए। श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को आज छकड़े में से उतार कर पैदल लेकर जा रहा है तीर्थ कराने के लिए, और जैसे ही एक गांव पूरा निकल गया, निकलने के बाद श्रवण कुमार ने माता पिता के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, पिताजी मुझसे कहने से गलती हो गई, समझ में नहीं आया कि मैंने आपसे कैसे कह दिया कि आप पैदल चलो, मैंने आपको कहा कैसे दिया। श्रवण कुमार के पिता कहते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, जिस गांव से अपन निकल कर जा रहे हैं ये वो गांव है जहां का राजा ब्राह्मणों के बच्चों को मारकर उसके रक्त से पूरी भूमि को सींचता था। अब उस भूमि पर भले वो गांव बस गया हो पर भूमि अपना असर छोड़ती नहीं, इसमें श्रवण की गलती नहीं, इसमें भूमि की गलती है। उसी तरह जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने तुरंत
द्वारका से भेजा अपने सारे सैनिकों को कि जाओ कोई ऐसी भूमि ढूंढो जहां पर भाई भाई का दुश्मन बन जाए, ऐसी भूमि पर मुझे यज्ञ, ऐसी भूमि पर मुझे युद्ध कराना, भूमि को चुनना, कोई ऐसी भूमि ढूंढ कराओ जहां पर मैं इन कौरव और पांडवों का युद्ध करवाऊं, जहां पर भाई भाई का दुश्मन हो, जहां भाई भाई को मारकर उसका मुंह तक ना देखे, ऐसी भूमि होना चाहिए। और सैनिक घूमते घूमते सभी जगह गए, सीओर भी आएंगे ऐसा नहीं कि नहीं आए, सभी जगह खरगोन ने, भोपाल ने, औरंगाबाद ने, जितना जितना तुम गांव से आया हो सबके गांव गए, पर वो भूमि नहीं मिली जहां भाई भाई का दुश्मन। तब कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचे और कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाकर क्या देखा, एक बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जा खेत पे मेड़ बांध दे, पानी अंदर जा रहा है, मिट्टी का एक रेला बांध दे तो पानी अंदर जा रहा है। तो छोटा भाई बोला भैया मैं ये हल रखने के लिए घर जा रहा हूं, आप फ्री हो आप जाकर मेड़ बांध दो। बड़े भाई को क्रोध आया, छोटे भाई को हल उठाकर उसी हल से छोटे भाई की हत्या कर दी, हत्या कर उसके पांव को पकड़कर तड़पते हुए भाई को ले जाकर पानी को रोकने के लिए मेड़ पर छोड़ दिया। भाई पानी में तड़प तड़प के मरता रहा। सैनिकों ने भगवान से जाकर कह दिया हमने वो भूमि ढूंढ ली है जहां भाई भाई का दुश्मन है। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है अब युद्ध होगा तो उसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर होगा जहां भाई भाई की हत्या कर उसका मुंह तक नहीं देगा। एक भूमि का दोष होता है। कई लोग अच्छा भवन बना लेते हैं, अच्छा मकान बना लेते हैं, अच्छी बिल्डिंग बना लेते हैं, खूब लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लेते हैं, उसके बाद में भी उस घर में उस भवन में भगवान का भजन तक नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो भूमि नहीं चाहती कि ये भगवान का भजन कर पाए। और कोई कोई भूमि ऐसी होती है जहां लोग आप रूप भजन करने के लिए आतुर हो जाते हैं, आप रूप, क्या पता कौन सा पुण्य था। ये मानक चंद जी रूठिया का बगीचा, क्या मालूम कौन सा पुण्य था जो इतनी 108 श्रीमद् भागवत कथा और इतना पवित्र आयोजन इस पावन प्रांगण में हो गया। ये कुछ पुण्य ही है, कुछ भाव की प्रधानता है। और किसी किसी को मौका मिलता है भगवान की सेवा करने का, लाखों जनता है सीहोर में, कितनी अरे बोलो तो लाखों, पर क्या लाखों जनता यहां कथा में पहुंच सकती है, अरे बोलो नहीं। कथा में कौन पहुंचा, जो भगवान का अपना था और जो भगवान से जुड़ी नहीं पाया, वो अपना दिल्ली घर छोड़कर दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाया, उसका संबंध था। करोड़ करोड़पति लोग सीहोर में, इंदौर में, भोपाल में आदि आदि पूरे नगरों में रहते हैं, पर धन उसी का, सेवा उसी की, इस शरीर से सेवा उसी की लग पाती है जिसको भगवान चुनता है। आपको फिर निवेदन करता हूं ये परमात्मा की कृपा है, जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है और जिसको मेरा सांवरिया चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। उसने चुना इसलिए आप यहां बैठे हुए। मनुष्य चुनेगा तो वो संसद में बैठेगा, पर भगवान चुने तो वो सत्संग में जाकर बैठता है।
परमात्मा चुने। बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, देखा बगीचा आपके घर पे भी होगा, एक गमले में एक दो चार गमले रखे उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, पर फूल वही तोड़ा जाता है जो आपको अच्छा लग रहा है कि ये फूल भगवान को चढ़ाऊंगी अच्छा लगेगा, ये फूल मैं ठाकुर जी को समर्पित करूंगी अच्छा लगेगा। फूल वही समर्पित किया जाता है जो आपको अच्छा लग रहा है, और आपके साथ में आपके हृदय में आपके चित्त में आपकी वृत्ति में जो परमात्मा आपके घर से बैठकर आया है वो फूल वो चुनता है, आप भी नहीं चुनते, और उसको निकाल कर आप भगवान को समर्पित कर देते हो। उसी तरह जितने भी भगत लोग जितने भी ठाकुर जी के प्रिय मेरे लाडले मेरे गोपाला मेरे कृष्ण मेरे कल्लू के जितने भी प्रिय हो, आपको भगवान ने इसलिए चुनकर यहाँ बुलाया है क्योंकि आप उसके हो, और आप उसके हो इसलिए आपको पास में रखा। कोई उड़ीसा से, कोई फलोदी राजस्थान से, कोई गुलबर्गा कर्नाटक से, कोई लखनऊ, कोई कानपुर। कल रात्रि को हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी कि बाहर से कितने मेहमान आए थे, जिन्होंने लिखवाया था कि हम आ रहे हैं वो 1500 की क्वांटिटी थी, कितनी 1500। और कल जो लिस्ट बनी आए और गए मेहमानों की, उसमें 3500 मेहमान सीहोर में आए थे अपने अपने नगर से, और जो अप डाउन कर रहे थे इछावर से, आष्टा से, भोपाल से, इंदौर, देवास, छिपरा, झावर, मेतवाड़ा, भौरासा, इनकी लिस्ट निकाली तो 1500 वैष्णव ऐसे थे जो रोज कथा में आ रहे थे और रोज जा रहे थे। ये कृपा थी पूरी लिस्ट। क्या बखान करें, ये ठाकुर का मंगल विवाह, ये भगवान की भक्ति। कल दो बच्चियों की एक गाड़ी खड़ी थी, वो रखकर कहीं चले गए होंगे, ध्यान नहीं दिया, स्कूटी, दोनों रो रही। हम यहाँ से गए ना, क्या हुआ रे बच्चों, कहे गुरुजी हमारी गाड़ी नहीं मिल रही, 4 घंटे से ढूंढ रहे। हमने कहाँ रखी थी, तो के यहाँ। हमने कहा कैमरे लगे हैं 23, किसी का एक मोबाइल भी गिर रहा है तो मिल रहा है, बिछुड़ी तक लोगों की मिल रही है, कैमरे में जाकर देखो। दो लड़कों को भेजा, उनको बिठाया, बाकायदा स्कूटी अंदर आई। अंदर आने के बाद वो स्कूटी फिर अंदर से गई कहां, इसके बाद वो अंदर तो आई पर बाहर जाती नहीं दिख रही, पर स्कूटी प्रागण्य में कहीं नजर नहीं आ रही। हमने कहा चिंता मत कर, वो मिलेगी जरूर, तो थोड़ी देर रुक जा और तुलसा महारानी की और ठाकुर जी बैठे हैं उनकी परिक्रमा करके आ। लड़की ने अपने पापा को फोन भोपाल से लगा दिया, पापा स्कूटी घूम गई, रिपोर्ट हो गई, नहीं मिल रही। थानेदार भी आ गए, देख भी गए, कैमरे भी चेक कर लिए, वो थाने चले गए थानेदार, और फिर रोने लगी गुरुजी। हमने कहा अभी तक एक थानेदार को रिपोर्ट दी थी, अब दूसरा थानेदार अपनी तफ्तीश चालू करेगा। और इतने में किसी ने आकर कहा कि एक स्कूटी ब्लैक कलर की बाहर खड़ी हुई है, उसने कहा मैं देखी आई परंतु मेरा ये नंबर नहीं है। मैंने कहा अब ये नंबर नहीं है तो गाड़ी में चाबी लगी हुई है, ये पक्का है कि कोई व्यक्ति तेरी स्कूटी छोड़कर उसकी स्कूटी ले गया है। तुरंत फिर निकाला तब मालूम पड़ा एक परिचित व्यक्ति स्कूटी लेकर चले गए थे भूल से, उनकी स्कूटी यहाँ रह गई और वो स्कूटी चली गई, वापिस मिल गई। क्यों ढूंढे, ऊपर से गाय निकल जाए तो लोगों के हड्डी ना टूटे, तो ये तो साधारण सी स्कूटी है, काहे चिंता करते हो। जब परमात्मा पर सब छोड़ दिया, परमात्मा पर सब समर्पित कर दिया, तो फिर क्या सोचो।
भगवत भजन का सार तत्व है परमात्मा की भक्ति भाई। भक्ति बिना मुक्ति नहीं है। ये जितने लोग आ रहे हैं इन्होंने 7 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार ठाकुर जी का, मेरी राधा रानी का, भागवत महारानी का जरूर देखा है। जो कई लोगों की बीपी ऊंची नीची हो, किसी का दम की बीमारी हो, किसी की कोई बीमारी हो, उसके बाद भी 2-2 मंजिल ऊपर होटल में चढ़कर कमरे पर जाकर सोना, फिर नीचे आ जाना, फिर चले जाना, कितना कृपा। 2 कदम जो चल नहीं पाते वो इतना बड़े ग्राउंड में घूम रहे हैं, यहाँ कथा सुन के भोजनशाला, भोजनशाला से 108 पंडाल और 108 पंडाल से कार्यालय, कृपा है। ये एनर्जी कोई दूसरा नहीं दे सकता। ये पावर कोई दूसरा नहीं दे सकता, देगा तो मेरा ठाकुर ही दे। देने वाला वो भगवान की भक्ति में डुबाने वाला है। भगवान की भक्ति का मूल तात्विक सुख प्रदान करने वाला महाराज। भूमि का बड़ा महत्व है और भूमि की महत्वता ही हमारे जीवन को सार्थकता करती है। भूमि की महत्व किसी किसी भूमि पर भगवान की भक्ति की मूलता स्थापित हो जाती है। और किसी किसी भूमि पर आप भजन चित्त भी धरोगे तो वो मूलता नहीं रहेगी। हम क्यों लोगों से कहते हैं कि जब जब तीर्थ में कथा रहे तो आपको आना चाहिए, क्यों? क्योंकि अपन अपने नगर में बैठकर, अपने घर में बैठकर जो पूजन कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो स्मरण कर रहे हैं, अगर आपके शरीर साथ दें तो तीर्थ में जाकर भी भजन करो। क्यों? घर में बैठकर जपेंगे तो 1 माला का सुख है, नदी के तट पर जपेंगे 1000 माला का सुख है। कहीं तीर्थ का भाव हमारे शास्त्रों में गर्ग संहिता, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण आदि आदि पुराणों में वर्णन किया गया। शरीर की साथ दे तो भगवत तत्व में डूबने का प्रयास करें। और पूरी जिंदगी का एक सार तत्व है कि अपने इस शरीर द्वारा, अपने इस मुख द्वारा, अपने द्वारा किसी को कोई कष्ट ना, वाणी से भी नहीं हो और अपने शरीर के द्वारा, मन द्वारा भी किसी को ना हो। बहुत भला करो, बहुत भला। कितना कहा है, सन एक बार पितरों की कन्या पीवरी, पितरों की कन्या मैना, धन्या और कला, 3 कन्या थी पितरों, एक पितर कितने, 2, एक पितर की 3 कन्या, एक पितर की 1 कन्या। पितरों की कन्या 3, मैना, धन्या, कला और दूसरे भाई की 1 कन्या थी पीवरी। पीवरी सुखदेव जी के साथ पियाई थी और पितरों की जो 3 कन्या थी मैना, धन्या और कला, ये तीनों की तीनों एक जगह पर संत सत्संग कर रहे थे, भजन कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे और ये तीनों का निकलना हो गया। जैसे ही निकल कर गए, इनके पांव के जो लहंगा लगा हुआ था पहने थी, उस लहंगे में झामर झुमके लगे हुए थे और उस झामर झुमके से उनके शरीर को वो लहंगा लगते हुए चला गया। सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम तीनों को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और तुम तीनों मनुष्य की देह धारण करोगी, क्योंकि मानव का शरीर, मनुष्य की जो देह है, आपको पहले भी कहा कि मानव का जन्म होता है तो मां के गर्भ से होता है और दुनिया की सबसे बड़ा
नरक दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट अगर व्यक्ति को कहीं होता है तो वो मां के गर्भ में होता है। मां के बड़ा हुआ है, इतना बड़ा बच्चा जब जन्म लेता है, मच्छर भी काट रहे तो रो रहा है, खटमल काट रहे तो रो रहा है, भूख भी लगे तो रो रहा है, प्यास भी लगे तो रो रहा है, बड़ा है वो। गर्भ में भी तेज खा लिया मिर्ची का तो कष्ट है, गरम खा लिया तो कष्ट। भगवत तत्व सार तत्व का सुख, यहां जो प्राप्ति का मूल बिंदु है हमारा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम तीनों हमारी सत्संग में अर्चन डाली हो इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। चरणों में पड़ गई आप क्षमा कर दो, हम पृथ्वी पर चले जाएं पर हमारे पर भी दया कर दो। तुम तीनों के गर्भ से, तुम तीनों की गोद में तीन पुत्रियां खेलेंगी, मैना पार्वती जी को गोदी में खिलाई, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, और कला कीर्ति बनी जिसकी गोद में राधा जी खेली। ये तीन का शास्त्र कहता है अगर आप कथा में भी जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, संकीर्तन में जा रहे हो, भगवत भजन में जा रहे हो, स्मरण में जा रहे हो, कहीं तुम सत्संग में पहुंच रहे हो, किसी सदगुरु की शरण में जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो, किसी देवालय में जा रहे हो, किसी हवेली जी में दर्शन करने जा रहे हो, प्रयास करना कि आगे बैठने के चक्कर में कहीं हम चार लोगों को लात तो नहीं मार रहे, प्रयास करना हम किसी को कष्ट तो प्रदान नहीं कर रहे, हमारा वस्त्र हमारा कपड़ा तो कहीं नहीं लग रहा, वो तो यहाँ जगह की कमी है इसलिए आप कसे कसे बैठे हो। पर सत्संग का भी नियम ये है कि सत्संग करने जब बैठो तो अपने घुटने भी किसी दूसरे के पांव पर नहीं आना चाहिए। ना जाने कौन सा देवता किस रूप में, ना जाने कौन देव किस रूप में, वो तो यहाँ जगह की कमी है इसलिए आप लोग ऐसे बैठे हुए, नहीं तो शास्त्र कहता है सत्संग की मूलता है अलमस्तता, किसी को हम कष्ट ना दें, किसी को हमारे द्वारा कष्ट ना हो, प्रयास करते रहो। और जितना भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो फिर जम के बोलो आटे बनकर मत रहना। अगर किसी की राहों में कोई उन्नति की ओर बढ़ रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई सत्कर्म कर रहा है, कोई भजन कीर्तन कर रहा है, कोई किसी भी रूप में भगवान का भजन तो कर रहा है, उसके राह में अगर आप फूल नहीं बिछा सकते तो कांटे भी बनकर पड़ना मत, किसी की राह को छेदित मत करना, नहीं तो वो जीवन का सबसे नारकीय जीवन होगा हमारा। अच्छा कही, बहुत अच्छा। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, पूरे शहर के लोग बाहर के लोग यहाँ आकर कहते हैं गुरुजी बहुत अच्छी व्यवस्था, भोजन बहुत अच्छा बना, नाश्ता बहुत अच्छा बना, चाय बहुत अच्छी बनी। सवेरे से लोग कह रहे हैं हमें कल से बहुत बुरा लगेगा, बहुत व्यवस्था करी, बहुत व्यवस्था करी। आप इतनी इतनी दूर से आ रहे हो, कोई ये बाहर से आने वाले अपनी जगह पर आप भी तो आ रहे हो, कोई गंज से, कोई कस्बा से, कोई मंडी से, कोई कहीं से, कोई छावनी से, किसी भी रूप में। और मैं तो बहुत बहुत चरणों को नमन करता हूँ आपके, ऐसी कोई समाज नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, मेरी भागवत की चौकी के चार पाए हैं, इन चारों ने खूब सेवा करी, चारों ने खूब सेवा की। ये मेरी चौकी के भागवत महारानी की चौकी के चार पाए, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, हर वर्ण के लोग, और जिनसे उम्मीद भी नहीं थी ऐसे ऐसे लोगों ने सेवा प्रदान करी, खड़े रहे और सेवा देते रहे।
हर तरह से। कहां से लाओगे इसे? हमारे सीहोर की धरा तो पूजनी है ही, पर ईमानदारी की बात तो यह है हमारे सीहोर के माता पिता सारे बुजुर्ग भी पूजनीय हैं, बहनें भी पूजनीय हैं, जिनकी इतनी प्रबलता है, इतनी प्रखरता है। और इन्होंने पूरे शहर में ये मानो मन का फूल समर्पित करा है, कांटे नहीं बिछाए, फूल दिया है। और होते हैं हर कथा बाँचने वाले को ये मालूम होता है कि तीन तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहला सोता, जो कथा में सोने आता, पर वो भी नहीं मिला, पूरी कथा में वो भी नहीं मिला हमको, तो आपको मिला कोई नहीं। दूसरे नंबर पर होता है सरोता, कतरने वाला, महाराज ने ये कैसे कह दिया, महाराज ने वो कैसे कह दिया, इनने ये कैसे रख दिया, उनने वो कैसे रख दिया। पर देखा जाए तो सरोता भी कहीं का नहीं मिला, क्योंकि उस पर भी मेरे नारायण की कृपा थी, उस पर भी। और तीसरे नंबर का श्रोता, तो श्रोताओं के लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, आप रोज भगवान की कृपा देख रहे हैं, ये भगवत कृपा, ये भगवत भजन का सार तत्व, ये भगवत भजन का मूल सुख है। और फिर निवेदन है, मीरा जैसा अपना स्वभाव बना लो। राणा रोज मीराबाई को कुछ कुछ कहता था, मीरा एक ही बात कहती थी कि मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे राणा जी तेरे महलों में भाग लगे, राणा जी तेरे महलों में भाग लगे, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की बोलो तो कुटिया बनाऊंगी, नित लाला से लाड़ लड़ाऊंगे, नित काना से वामे तुलसी का पौधा लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में। मैं तो चली वृंदावन राणा, 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 मेरे तो आज राणा जी तेरे महलों में, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ओ कल से कोई नहीं कहेगा ताली ताली।
सास कोसी की कुटिया बनाऊंगी, लाला से नित नित लाड़ लड़ाऊंगी, लाला से नित नित लाड़ लड़ाऊंगी, सास कोसी की कुटिया बनाऊंगी, सास कोसी की कुटिया बनाऊंगी, लाला से नित नित लाड़ लड़ाऊंगी, लाला से नित नित लाड़ लड़ाऊंगी, या में तुलसी का रोप लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, 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 मैं तो चली वृंदावन आना, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, 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 मंदिर से राधा राधा बोलो, मुख मंदिर से राधा राधा बोलो, मुख मंदिर से राधा राधा बोलो, मुख मंदिर से राधा राधा बोलो, नैनों में राम बोलो, नैनों मंदिर से राधा राधा बोलो, तुलसी को रोप लगे राणा जी तेरे महलों में, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, 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 तत्व का बिंदु है। ये तात्विक सुख है परमात्मा का। महाराज कल भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को भगा कर लेकर गए, पूरे ब्रज के आनंद सुख में जितने भी विदर्भ राज भीष्मक के घर का जितना सुख था, पूरी
समाज पूरा घर पूरा परिवार पूरा कुटुंब पूरा कबीला सब देखता रहा और वो रुक्मणी को लेकर चले गए। रुक्मणी जी को ले गए और मेरा निवेदन है रुक्मणी कोई भाग्य की सराहना होगी माता रुक्मणी की जो भगवान उसको लेने के लिए आए और वो गोदी में बैठकर भगवान के द्वारका की ओर गई। ये कुछ कर पाए परमात्मा। कई बार देखने में आता है कई लोग तीर्थ जाते हैं तीर्थ में पहुंचने के बाद भी लोगों का कोई ऐसा फोन आ जाता है कि उतरे और वापस अगली ट्रेन से भागना पड़ जाता है अगर किस्मत में नहीं है तो। कई लोगों का ऐसा और कई लोगों का ऐसा है ये बैठी ये बहन ये आई है कहां से पधारे हो इंदौर इंदौर से आई है इन्होंने ना कैसे ट्रेन से आई थी ट्रेन से आई कथा सुनने के लिए ट्रेन चलने लगी और तुरंत सादा टिकट लेकर तुरंत बैठ गई और कहीं एसी कंपाउंडमेंट में बैठ गई। अब इसको चिंता ये कि क्या होगा सीहोर तक पर ये बता रही थी गुरुजी जरा खड़े होके मुंह दिखाओ ये ठाकुर जी के चमत्कार तो मालूम पड़े कि भागवत में क्या है भागवत में है क्या। पहले घर वालों ने कह दिया मत जाओ फिर बैठो गए और बैठ गए पीसी वगैरह सब आए गए आप कहाँ से आ रही हो इंदौर कहाँ जा रही हो सीहोर कहाँ रहती हो इंदौर तो सीहोर कहाँ जा रही हो भागवत जी और कोई तो क्या सब आने वाले थे सबने मना कर दिया उनके चक्कर में मैं क्यों रुकूं इसलिए दो दिन का आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। आप एसी कोच में बैठ गए हो पैसा लग सकता है तो कहने लगी आप काट दो रसीद मना नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है भागवत जी को हमारी तरफ से नमन कह देना चले जाए। वो बोलते ना एक भजन गाते हैं ना ओ जाने वाले रघुवर को प्रणाम हमारा कह दे वो कौशल्या महारानी को वो सुमित्रा महारानी को वो केकई जी सयानी को प्रणाम हमारा नमन कहिए इतना भी बहुत है जो आपने मैं इसीलिए तो आप लोगों को बार बार कर रहा हूं ये आपको मेरा मन प्रणाम करने का दंडवत करने का इसलिए कर रहा है कि आप यहां से जब कथा सुनकर गए तो आपने अपने घर पर जाकर ये कहा कि कथा का आनंद हो रहा है चार लोगों को लेकर आए इसलिए मन करता है कि आपने भागवत को घर घर तक पहुंचाया प्रत्येक घर घर तक वो पहुंचे। नतमस्तक रुक्मणी को लेकर जा रहे हैं ले जा रहे हैं और गोदी में उठाया और गोदी में उठाकर लेकर सीधे द्वारकापुरी में पहुंच गए। पर रुक्मणी की भक्ति को प्रबलता ध्यान दीजिए कितनी प्रखर भक्ति होगी रुक्मणी की कि रुक्मणी ने भगवान दरवाजे पर उसको लेने के लिए खड़े थे
और वो जगदम्बा के दर्शन कर रही थी और जगदम्बा की हसली में, गले में पड़ी हुई हसली में भगवान का दीदार कर रही थी कि मुझे लेने परमात्मा आ गया। पीछे पलट कर नहीं देखा कि मुझे लेने कौन आया। जगदम्बा को देखती रही। इसी को कहते हैं, अगर आपने 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा को सुना और कहीं पर भी आपकी जिंदगी में इस पूरे 7 दिन में आपको एक चीज भी अगर अच्छी लगी है तो उसको याद कर अपने जीवन की सार्थकता को जी। कई लोग कहेंगे अरे हो, कई लोग कहते हैं, कहने वाला कुछ भी कह दे, लोग तो कह देंगे कि मिश्रा जी ने तो व्यापार खोल रखा है। कहने वाले कुछ भी कह देंगे, परंतु आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। एक वो बहन ठाकुर जी लेके आई, हमने पूछा कि तुम रोज ठाकुर जी को लेकर नाचती हो, तुम्हारे ठाकुर जी का नाम क्या है? तो कि मेरे ठाकुर जी का नाम नट्टू है। मैंने कहा वारी क्या बात है, अब इनके नट्टू का नाम याद आया तो मेरे को काशी वकील साहब के ठाकुर जी का नाम याद आ गया, क्योंकि हमारे वो काशी वकील भोपाल नाके में रहते हैं, उनके ठाकुर जी का नाम भी नट्टू है। तो कई बार सोचने में आता, एक बहन वो ठाकुर जी लेकर आई है तो उनके ठाकुर जी का नाम पूछा, आपके ठाकुर जी का नाम क्या है? तो के प्रियांशु। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात, तो हमने कही जरूर हमारी प्रिया जी का भाई होगा। तो ये भगवत तत्व है। मेरे को कथा याद आती है, एक संत प्रवचन कर जा रहे थे, एक बच्ची ने आकर रोक लिया, संत घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, बच्ची ने कहा गुरुदेव आपने बहुत प्रवचन दिया 7 दिन, अब हमने कथा सुन ली, अब हमारा मन सारा खाली हो जाएगा, गुरुदेव कोई ऐसी चीज दे जाओ जिसको मैं पूजती रहूं, जिंदगी भर भजती रहूं। अब गुरुजी ने सोचा सारा सामान पैक हो गया, अब देऊं तो देऊं क्या, गुरुजी रोज भांग घोट के पीते थे, तो गुरुजी के हाथ में वो सिलवट्टा नहीं था, वो लुड़िया चटनी घिसने की, तो वो सिलवट्टा दे दिया है, ले ये कौन है गुरुजी? कि यही ठाकुर रख ले। अब वो सिलवट्टा देव दे दिया, क्या नाम था उनका, सिलवट्टा देव, जैसे नामदेव जी नाम लेते ना, नामदेव जी कौन से भगवान का नाम लेते हैं, के लंबक देव। नामदेव जी कौन से भगवान को बजते हैं, लंबक देव। अब इन्होंने दे दिया सिलवट्टा देव, अब सिलवट्टा देव दिया ये समझी भगवान, इन्होंने उनका श्रृंगार कर दिया, नेत्र लगा दिए और सारा श्रृंगार विंगार करके और सिलवट्टा देव की रोज पूजन करे, रोज पूजन करे, प्रतिदिन पूजन करे। अब ये तो पूजन करे, इसका एक दिन छोटा भाई आ गया और छोटा भाई ने आकर वो बाहर जामुन के पेड़ पे जामुन लग रही थी, को पत्थर नहीं मिला, इन्हें सिलवट्टा उठा लिया, सिलवट्टा उठा के जो दिया, जामुन तो नीचे सिलवट्टा दे, बड़ी परेशानी, मेरा सिलवट्टा नहीं मिला, मेरा सिलवट्टा देव नहीं मिला, ढूंढती फिरे, खाना छोड़ दिया, जल तक नहीं पिया, रातों की नींद चली गई, 3 दिन हो गए पानी की बूंद मुंह में नहीं गई, मेरे भगवान को लगा मर जाएगी, क्योंकि इसने सिलवट्टे में भी मेरा दर्शन कर लिया, सिलवट्टा देव स्वयं नीचे आ गया, स्वयं नीचे, और उसमें से मेरा सांवरा, मेरा ठाकुर, मेरा कन्हैया प्रकट होकर कहता है ले मैं तुझे जान पिला देता हूं, मैं तेरे पास आ गया। जो संत को नहीं मिला मूर्ति की पूजन से, जो संत को नहीं मिला भागवत रामायण से, वो एक लड़की को प्राप्त हो गया भांग घोटने के सिलवट्टे से। ये परमात्मा की भक्ति है, ये परमात्मा की भक्ति है। फलोदी राजस्थान से यहां रमेश भैया आए हुए हैं, उनकी बेटियां आई हुई हैं, गुड़िया खड़ी हुई, और बेटा कांगड़े, ये बच्चियां जय श्री कृष्णा करो सबसे। फलोदी राजस्थान से आई है, ओसिया के आगे से, बैठो बेटा,
फलोदी में कथा करने गए थे, इनके घर में ठहरे थे। ये बच्चियों ने ऊपर आकर कहा, गुरुजी हम तीन बहने ही बहने हैं, भाई नहीं है, हम कल्लू जी को राखी बांध दे। हमने कहा कल्लू को राखी बांधो मना नहीं है, पर कल्लू जी से कहो कि तुम्हारा एक भाई हमारे घर में छोड़ जाओ, उसको राखी बांधेंगे। ये कल्लू तो आ गया, कल्लू के आने के बाद दूसरे साल में उनके घर भी लल्लू आ गया। ये ठाकुर के ये बैठे हैं, ये प्रभु करुणा है, प्रभु कृपा है। उसकी कृपा बिना, परमात्मा के कृपा के बिना जीव का पत्ता नहीं हिल सकता। ये कहीं उस लाडले की करुणा है। आप मानो तो साहब, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। गंगा भी कई बार रोती है, कल कल कर कर बहती है। जब उत्तराखंड से संत नहाते हैं, सन्यासी नहाते हैं, जोगी तपस्वी साधक उपासक जब स्नान करते हैं, गंगा को बड़ा प्रसन्नता होती है। और जब कोई उसमें वस्त्र धोता है, साबुन लगाता है, कोई उसका जल कोई गलत चीज में मिलाकर धारण करता है, तो गंगा भी रोती है कि मेरी गति बिगाड़ती है। देव वही है, साध्यता आपकी, साध्यता का प्रतीक आपका। और जिस दिन साध्यता का प्रतीक बन जाएगा, उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सुख हो जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा सुख वहां प्रकट हो जाएगा। केवल मूर्ति को मूर्ति ना मानिए, आपके घर में सबका नाम होता है। होता है कि नहीं होता, सही बताओ। बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम, लोग एक कुत्ता भी खरीद कर लाते हैं तो उसका भी नाम रख देते हैं। एक मिट्ठू लाए उसका नाम रख दिया, गाय लाए उसका नाम रख दिया। पर निवेदन है, आपके घर में आपका लाडला बिना नाम का रह रहा है, उसकी भी एक आईडी प्रूफ जरूर होना चाहिए। उसका भी एक नाम होना चाहिए जो आपके घर में रह रहा, ये मेरा है। ये मेरा है। किसी को मकान दिखाते हैं तो कहते हैं ये कमरा मेरी बड़ी बहू का है। एक जगह हम भी गए थे, हम लोग जाते रहते हैं तो वो नियम, आओ महाराज जी घर देखो कैसा है, बहुत बढ़िया है, ये बड़ी बहू का कमरा है, ये छोटी बहू का है, ये इसमें हम दोनों हैं, गेस्ट रूम ऊपर है, ये सारा मकान बस भगवान ने बनवा दिया गुरु जी। और मेरा मकान मैंने बहुत मेहनत करी, अपने हाथ से तगाड़ी ढोई, तब जाके ये मेरा मकान बना है। ऊपर एक छिपकली चिपकी हुई थी, छिपकली आँख खोल के देख रही थी। हम छिपकली को देखे तो जजमान ने पूछा, इसको क्यों देख रहे हो? हमने कहा ये भी यही सोच रही है ये घर मेरा है, और तू भी यही सोच रहा है ये घर मेरा है। ये मुझको लगता है तेरे पुराने कोई होंगे, इसलिए वो भी चिपक के बैठ कर तू भी जाके एक दिन जैसे चिपक जाएगा। जो मेरा मेरा कहता है वो एक दिन, जो घर नहीं छोड़ पाया भगवान के लिए, जो अपना मकान नहीं छोड़ पाया, वो छिपकली जैसा चिपक कर मकान में रह गया मकान के अंदर। और जो छोड़ कर, एक दिन तो जाना है कि नहीं जाना, बोलो तो जाना है। ये मेला भी आज समापन हो जाएगा, 1200 राम नाम को हाट बरायो घर जाने की बात। अभी 7 दिन से नहीं लगा था कि जाना है, अब ऐसा लगने लगा, सामान की तैयारी करो अब चलना है, अब जाने की तैयारी।
राम नाम को आठ बरायो घर जाने की बात, और धीरे धीरे चलो रे भैया मेरा लाला देखे बाट। ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को पर कहियो राम। ये भागवत का परखदार, ये ठाकुर का परखदार कोई नहीं होगा जो परख लिया कि भागवत भागवत है। उसने बाहर जाकर एक शब्द नहीं कहा साहब, उसने एक ही बात कही कि ऐसा आनंद पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिल पाएगा, ऐसा आनंद कभी नहीं मिलेगा। टोपी लगाकर हमारे इन मुस्लिम संप्रदाय के भी भाइयों ने अंदर आकर कार्यालय में कार्यकर्ताओं की पीठ ठोककर कहा हमारा बुढ़ापा निकल गया पर ऐसी बारात नहीं देखी। ऐसी ये अगर जो अच्छाई देखने वाला होगा उसको अच्छाई मिलेगी जिंदगी में, वो कभी बुरा नहीं देख सकता, हर चीज में अच्छाई निकाल लेगा। और बुरा छाटने वाला व्यक्ति अपने पद पर बैठकर एक एक चीज को बारीक से बारीक चीज में भी बुराई ढूंढने का प्रयास करेगा वो, क्योंकि उसने अपने घर को नहीं छोड़ा तो बाहर को क्या छोड़ेगा। उसकी पूरी जिंदगी बुराई करने में निकल गई और उसका एक काम रहेगा वो केवल निकाले। और चिंता मत करना, चिंतन करना, आपने इस संपूर्ण कथा का आनंद सुख लिया है, आपको डरना नहीं, आनंद लो। घर पर भी जाकर कहना क्यों भगवत भजन का रस तत्व ग्रहण कर आई हूं कोई साधारण सा नहीं है। कार्तिक के महीने में जो सुना है वो जीवन की सार्थकता बना रहा है। सार्थकता बना कहे जो परखदार होगा वो परख जाएगा, जो परखदार नहीं वो नहीं परख पाएगा। परखदार तो परख। एक व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि कैसे भी मुझे भगवान मिले पर मिले, बस उसने एक क्रम चालू करा कि मैं परमात्मा किसी भी रूप में मिल जाए, मेरे घर संतान भी नहीं है पर करूं क्या। वृंदावन जाकर एक ठाकुर जी ले आई, ठाकुर जी का नाम लीलाधर रख दिया, लीलाधर रखा, उस लीलाधर को बड़ा करने लगी, पाल पोसने लगी, सेवा करने लगी। लीलाधर की सेवा करती एक दिन उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। कोई ने आकर कहा माताजी आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, पति मां गिर गया है। छोटी सी भगवान की मूर्ति में से सेवा कर रही थी और सेवा करती करती बोल तो लीलाधर देख तेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, मैं अभी दौड़ कर देख कर आती हूं। इतने में छोटी सी मूरत में से दृष्टांत सागर की पुस्तिका में लिखा हुआ है गीता प्रेस की, उस छोटी सी प्रतिमा में से एक बालक निकलकर हाथ पकड़ कर कहता है माँ तू मत जा मैं पापा को देख कर आता हूं। भगवान निकलकर चला गया और लीलाधर निकलकर चला गया और परमात्मा ने जाकर पिताजी पर जल का छींटा देखकर बाप बेटे दोनों सम्मुख। भगवान को भगवान मत मानो, आप बेटा मान लो, कोई पिता मान ले, कोई भाई मान ले, कोई बंधु मान ले, कोई सखा मान ले, आप जिस भाव से भगवान को भजोगे वो उस भाव से आपके सम्मुख में प्रकट होगा, क्योंकि भाव बिना परमात्मा मिल ही नहीं सकता। आप उसको भजने का प्रयास तो करो। द्रौपदी भाई मानती थी, निभा दिया उसने जैसा निभा सकता था वैसा निभा दिया उसने। अर्जुन सखा मानता था, एक दोस्ती निभा दी उसने। अगर वो प्रकट नहीं होता, मीराबाई सतयुग में पैदा हुई थी क्या? अरे बोलो, त्रेता में हुई थी क्या? द्वापर में हुई थी क्या? नहीं, मीरा कलयुग में पैदा हुई थी। नामदेव सतयुग में पैदा हुए थे? नहीं, कलयुग में। रामकृष्ण परमहंस कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में, महाप्रभु जी कलयुग में, श्रीमद वल्लभाचार्य कलयुग में, तुलसीदास कलयुग में,
अरे भैया सतयुग त्रेता और द्वापर इसमें तो लोग यज्ञ करते थे खूब घंटों तक बैठ के बाल बड़े बड़े करके तप करते थे तब जाकर भगवान मिलता था। पर कलयुग केवल नाम धारा कलयुग एक ऐसा है आप भाव से भजलो भगवान तुरंत मिल जाए तुरंत कहीं ढूंढने जाने का प्रयास ही नहीं करना है हम कहीं मत जाइए आपके घर में जो भगवान बैठा है उससे लाड़ लड़ाना प्रारंभ कर दो उससे प्रेम करिए परखो उसको उसकी चमक को जानो राम नाम को हाट भरायो घर जाने की बात और धीरे धीरे चलो रे भैया मारा गुरु देखे बाट सो कोई नहीं रे या हीरा को अरे खयो राम कोई नहीं रे जो परख गया भगवान को गुरु को संत को साधु को सन्यासी को तपस्वी को साधक को उपासक को उसको भगवान मिल गया जो नहीं परख पाया अपनी मस्ती में जो केवल खाना पीना एंजॉय करना फुल मस्ती में जीता रहा वो परमात्मा को नहीं जान पाया नहीं जान एक उंगली हम किसी के ऊपर उठाते हैं ना ये तीन उंगली हमारी ओर जाती है उसमें अगर एक गलती है तो तुझ में बोलो जमके तीन गलती है और वो तीन गलतियां तेरे भीतर की दे अपने भीतर वो कौन सा भगत था मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका जो यमुनाष्टक का पाठ होता था मथुरा में और वो यमुनाष्टक के पाठ के समय पर एक कोई भगत क्या एक व्यक्ति था वो यमुनाष्टक के पाठ के समय माताएं बड़ी सज धज के यमुनाष्टक में जाती थी और वो बाहर माताओं का ताका करता था उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को अगर किसी वैष्णव को ध्यान हो तो बताओ वो यमुनाष्टक के पाठ में जाने वाली स्त्रियों को ताका करता कितनी सुंदर ताका करता था कितनी सुंदर वाह वाह कितनी सुंदर और एक दिन एक गोपी निकल कर गई एक स्त्री यही कलयुग की कथा एक स्त्री और उसने कहा रोज यहां कुर्सी पे बैठा बैठा स्त्रियों को ताकता रहता है ये काहे की सुंदर सुंदर तो अंदर बैठी है इतनी सुंदर कभी तुमने बाप जमाने भी नहीं देखी होगी इतनी सुंदर उसने कहा जरा दिखा तो मेरे को एक स्त्री उस आदमी का हाथ पकड़ के अंदर ले गई और अंदर 252 वैष्णव की वार्ता में लिखा अंदर ले जाकर उसका मुख जब यमुना जी का दिखाया यमुना जी का स्वरूप देखकर वो पटरानी यमुना जी के ऐसे डूब गया कि कुछ भी नहीं दिखे उसे तो केवल यमुना महारानी ही नजर आए चारों तरफ वही वही दिखे तो क्या सुनना क्या माना भजन चित्त भी तरे तो उसमें भी परमात्मा प्रकट हो जाता उसमें भी भगवान प्रकट भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को गोदी में उठाया रुक्मण्यम हरणम शुद्ध ये मानवम तटस्थम श्री कृष्णाय शरणागतम श्री कृष्णाय शरणागतम गोदी में भगवान ले गए द्वारका रुक्मी रुक्म बाहुर रोक लिए भगवान ने पांच चोटी कर रुक्मणी जी के भाई की पांच चोटी कर दी क्यों क्योंकि तुम मुझे पहचान नहीं पाए भगवान को पहचानना बहुत कठिन काम है साहब लोग अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाते जब मर जाते हैं तब तो फोटो को रखकर 16 श्राद्ध में खीर और पूड़ी चिपकाते पहचानना बहुत कठिन
जिनके मन में जो भाव प्रकट होता है वो भाव सम्मुख दिखता है। एक पति मर गया, पत्नी और बेटा 16 साल में छत पे जाकर पत्नी ने अपने पुत्र से कहा, ले बेटा तेरे पिताजी के निमित्त से कौए की कागल दे दे। उसने कागल डाली, कौए के लिए पूड़ी सब्जी खीर डाली। कौआ उड़ता उड़ता आया, उड़ने के बाद थोड़ी देर बाद दूसरी छत पर कोई माता आई, उसने खीर पूड़ी डाली। कौआ उड़ते उड़ते उनकी छत पे गया, पूड़ी उठाकर ले गया। जैसे ही लेकर गया, इतने में माँ ने रोते रोते कहा, ये तेरा बाप ही है, तेरा ही बाप, जीते जी भी पड़ोसन के चक्कर में राम, मरने के बाद भी उसी की पूड़ी खा, तेरा ही बाप। बता अब छत पे आए से तो खाए। भगवत तत्व जैसा हम सोचे वैसा हो, नहीं सोचे वो। एक नई नवेली पहुआई, माँ ने कहा, बेटा एक काम कर, तुझे कुछ बनाना आता है? हाँ मम्मी मेरे को सब आता है। तो एक काम कर ले, तुझे अगर सब आता है तो आज मेरा मन कर रहा है, तूने कुछ नहीं बनाया, शादी करके आई थी, तो तू आइसक्रीम बना ले। उसने कहा, हो मम्मी। अटैची खोली, उमें सेवा कौन सी रेसिपी बुक होती है वो निकाली, उमें लिखा 2 किलो दूध को तपाओ, धीरे धीरे हिलाओ, उसमें पाउडर डालो, बेकिंग वो डालो, और इसमें चॉकलेट डालो, ये डाल के हिलाओ, ड्राई फ्रूट्स डालो, फिर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। उसने गई सब काम करा, 3 घंटे के बाद सास फ्रिज में गई और जाकर जो देखा तो 1 घंटा उसमें फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। सास ने चिल्ला कर पूछा, बहू इधर आ। बहू ने कहा, मम्मी ये मंदिर का घंटा फ्रिज में किसने रखा? मम्मी मैंने। क्यों? बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। बता, सास भी माथा ठोकी, अरे ओ पगली, ओ भेरू की लुगाई, अरे ओ जो गोल बनाया था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तू मंदिर का घंटा धरी है, अरे ओ कहाँ जाता, कैसे जान। भगवत तत्व की और भगवत तत्व का सार बिंदु वही कह रहा है। आपकी दृष्टि, आपकी सोच, आपकी वृत्ति परमात्मा के प्रति समर्पित हो, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव हो, आज भगवान रुक्मणी जी को लेकर गए और रुक्मणी जी आनंद से पहुंची। भगवान ने 5 चोटी कर दी कि तुम पंचम इंद्रियों में डूबे हो, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाए। तुम भगवान को पहचान नहीं पाए क्योंकि पंचम इंद्रियों में डूबे हुए हो। जिस दिन तुम पंचम इंद्रियों से बाहर हो जाओगे, उस दिन तुम परमात्मा के आप रूप हो जाओगे, अपने आप। पंचम इंद्रियों के क्रम में जो डूबा है वो परमात्मा का नहीं हो पाया। कि मेरे नैनों में श्याम, मेरी अलकन में श्याम, और मैंने मेहंदी लगाई श्याम नाम। हर जगह पर, हर तत्व में, हर रस में, हर घड़ी में वही वही है, केवल वही वही। इसलिए शायद लोग कहें ना, मेरे गिरधर
तेरा सहारा है मेरे गिरधर, तेरा सहारा है मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आओ से दोनों हाथों से कुछ है ही नहीं। कथा कह रही है भगवान पधारे रुक्मणी जी को लेकर, मंगल विवाह हुआ रुक्मणी का, द्वारकापुरी में पहुंच गए और रुक्मणी जी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ। प्रद्युम्न जिसने, जिसको जन्म लिया और लेने के बाद शमरासुर ने ले जाकर उसको समुद्र में पटक दिया। बालक को एक मछली निगल गई और मछली जब निकली बालक को, मछली को पकड़ा मछुआरे ने, समरासुर के दिया काटा, बालक निकला। वो बालक को शमरासुर के यहाँ काम करने वाली कामदेव की पत्नी रति महामाया, जिसने सुंदर आनंद से उस बालक को पहचान कर बड़ा करा और उससे विवाह करा। विवाह कर आगे चरित्र आया। शमरासुर का वध कर बालक को लेकर, पति को लेकर द्वारका चली गई। आगे जो चरित्र आया, भगवान पर चोरी का इल्जाम लगाया है सत्राजीत ने, मणि चोरी का इल्जाम। मणि चोरी का इल्जाम
देखो दुनिया के लोग परमात्मा को भी नहीं छोड़े। मणि पहनकर गया था खुद का सगा भाई, गया कोई सिंह ने उसको खा लिया, मणि नीचे गिर गई, इनको लगा कृष्ण ने चुरा, उसने मेरे भाई को मारकर निकाल। कहें भगवान को भी नहीं छोड़ा लोग। तो आप और हमको दुनिया कैसे छोड़ देगी? भगवान मणि ढूंढने के लिए गए, और मणि ढूंढने के लिए जब परमात्मा पहुंचे, मणि ढूंढने के लिए जब चले, तो मणि को देखने के लिए जब चलते हैं, ढूंढते हुए सामने एक आगे गए तो सिंह के पंजे दिख गए, शेर के पंजे देखे और आगे गए तो फिर भालू के पंजे दिखे, भालू के पंजे दिखने के बाद और आगे गए तो मालूम पड़ा कि जामंत का पुत्र मणि से खेल रहा था। मणि से खेल, और वो मणि मिली। जामंत ने विनती कर दी, महाराज मणि तो दे दूंगा पर बात इतनी सी, आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, आप मेरी बेटी से विवाह करिए। भगवान बोले तुम रीच, तुम्हारी बेटी से हम विवाह करें तो करें कैसे? बांदरा की छोरी बांदरी, रीच की छोरी, अरे बोले तो रीछड़ी, बकरा बकरी की छोरी बकरी, ऊंटनी की छोरी घोड़ा घोड़ी की छोरी, और मनुष्य की छोरी मनुष्य। अब मनुष्य का विवाह रीच की लड़की से हो, ये कहां की रीति है? भगवान बोले ये बताओ तुम्हारी कन्या कितनी सुंदर है? जामवंत जी बोले बिल्कुल मेरे पे गई है। अब जामवंत तो भालू, मुंडा ऐसा लंबा, काले काले बाल पूरे शरीर पे, मुंह पे भी। भगवान बोले तेरे पे? हाँ बिल्कुल तेरे पे, बिल्कुल मेरे पे। इतने में भगवान बोले मैं विवाह नहीं कर सकता। प्रभु राम अवतार में आपने कहा था कि विवाह करोगे, मैंने आपसे कहा था कि मेरी बेटी से, मेरी बेटी को आप पसंद है तो विवाह करिए। आपने कहा था मैं एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूं, विवाह नहीं कर सकता, मेरा अगला जन्म होगा जब मैं विवाह करूंगा। तो मैंने कहा था मेरी बेटी तो जब तक बूढ़ी हो जाएगी, आपने आशीर्वाद दिया था जब तक विवाह नहीं कर लूं जब तक बूढ़ी भी नहीं होगी। तो अब आपके लिए बेटी, भगवान तुरंत विचार करे और रीछड़ी और मारे लिए, अब क्या करो? बुलाओ जामंती को, जामंती को बुलाया, पूछा तुम मुझसे विवाह करना चाहती? आओ, एक युग निकल गया तुम्हारे विवाह के इंतजार के लिए। भगवान बोले कर तो लूंगा पर शर्त इतनी है कि तुम ना तो चेहरा दिखाओगी, ना हाथ दिखाओगी, ना पांव दिखाओगी, तुम्हारा पूरा शरीर कपड़े से ढका हुआ होना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे पहला लॉन्ग लहंगा जामंती ने पहना था, इतना लंबा पांव ना दिखे, हाथ पे भी सुंदर सुंदर कपड़े, मुख इतना ढका हुआ। भगवान ने विवाह कर लिया, ले गए, और इतना मुंह ढका हुआ। मेरे को कई बार आश्चर्य होता है, मैं कई बार कथाओं में कह चुका हूं, बेटियां जब तक उनका विवाह नहीं होता तब तक पूरे चेहरे पर कपड़ा बांधकर, हाथ में ग्लव्स पहनकर, पांव में सॉक्स पहनकर, पूरे शरीर को ढककर रखती हैं। पर मुझे उस बात का आश्चर्य होता है कि जो बेटियां कुंवारी अवस्था में केवल आंख ही आंख दिखती है, पूरा मुंह ढका रहता है, उन बेटियों को शादी के बाद सिर पे पल्लू रखने में क्या हो जाता है, मुझे आश्चर्य लगता है। कई बार चिंता लगती है, मैं तो कई बार मेरे को ये बब्बी जी जो बैठती ना पार्लर वाली, इनका पार्लर देख के भी बहुत जलन होती है। जलन इस बात की होती है कि भाई ये तीन इनकियां जो पार्लर में जाए एक जैसी पोत पुता के 3 घंटा बैठी रहे,
ना मोबाइल पे बात करे ना कुछ, ऊपर से धर दिन ने ककड़िया, फोन भी आए तो बात नहीं करे। 3 घंटा एक आसन से बैठी, पर ना जाने दुनिया के लोगों को क्या हो जाता है, जब जब कथा में जाए तो सारे बाबा रामदेव के आसन लगा ले। वो तो भगवान भला करे कि कथा में पलंग नहीं लगे, नहीं तो सोच जाए, तो इनका कहीं ठिकाना, इनके सारे आसन चलते पूरे। भगवत दत्त एक शहर की बारात एक गावड़ा में गई, और कहीं बाहर की बारात थी, और वो सब नाचने नाचने वाले और भयंकर नाचे, और आजकल का डांस तो आपको मालूम है। एक लड़का ऐसा ऐसा करते करते चुन चुन चू करते करते और नीचे लुढ़क के भूमि यूं यूं ही करे। अब ये हमारे भगवती महाराज बैठे, इनकी मम्मी को लगा बेचारे के लकवा लग गया या कोई मिर्गी मिर्गी आ गई, इनकी मम्मी पानी का लोटा डाल के उंडेल की जूता से इतने में दूल्हे का बाप आके बोला, आंटी ये डांस कर रहा। आंटी बोली, आग लगे तेरे डांस। हम तो सोचे कि इसको मिर्गा मिर्गी आ गई, ऐसी बोला भगवान। अब विचार करिए जरा, सोचिए, इतना घूंघट करके तन ढककर जामंती जी ने भगवान से विवाह कर लिया। भगवान ने बोला, जब तक मैं नहीं बोलूं मुंह मत दिखाना ना बात करना, ले गए। रुक्मणी जी को मालूम पड़ा पति आया है, आरती उतारने आई तो पूछ लिया जामंती को देख के, ये कौन है? भगवान बोले, मेरी धर्म पत्नी। तो रुक्मणी बोली, मैं थी तो सरी। भगवान बोले, गिफ्ट में मिली तो गिफ्ट में मिलेगी, तो तुम क्या हर किसी को उठा लाओगे? भगवान बोले, गिफ्ट का माल दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो छोड़ के आया, कुछ भी मिले लाना तो पड़ेगा, सब लाए। तो ये मुंह क्यों ढकी है? भगवान बोले, बहुत सुंदर है। तो रुक्मणी बोली, मेर से ज्यादा? भगवान बोले, तू तो के पांव की धूल नहीं लगे, इतनी जोरदार, इतनी सुंदर। रुक्मणी जी बोली, थाली रख के जरा मुंह तो दिखा। अब भगवान ने कहा था मुंडा मत दिखाना, तो ऐसा पल्लू पकड़ के बैठी, अरे मुंह तो दिखा, मुंह तो दिखा। इतने में रुक्मणी जी को गुस्सा आ गया। रुक्मणी जी ने कहा, कितना अहंकार इतनी सुंदरता पे। रुक्मणी जी ने हाथ में जल लिया, जल लेकर बोली, रुक्मणी अरियो जामंती, तेरे को तेरी सुंदरता का इतना अहंकार है तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि जितनी सुंदर मैं हूं बस उतनी सुंदर रह जा, जा। और तुरंत भगवान कृष्ण ने कोनी मार के कहा, मुंडा खोल ले, अब खोल ले। और जो जामंती ने मुंह खोला, मुंह खोलते ही जामंती सबसे पहले द्वारिकाधीश के चरणों में पड़ गई, तुमने रीछड़ी के इंसान बनाई दिया, गजब का जादूगर है तू, गजब का जादूगर। और ये जादू केवल मेरा ठाकुर ही कर सकता है, मेरा कृष्ण ही कर सकता है, उसके सिवा दुनिया में कोई नहीं कर। रामकृष्ण परमहंस जी से भारत की भूमि का पहला संत रामकृष्ण परमहंस, जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे थे तो पांव के बल नहीं उतरे, अपने सिर के बल उतरे थे। तो किसी ने पूछा, गुरुदेव तुम पांव के बल नहीं उतर रहे, गिर जाओगे, लग जाएगी, पांव क्यों नहीं रखते? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जिस मथुरा की रज में, जिस ब्रज की भूमि पर मेरे भगवान ने अपना चरण रखा है, उस भूमि पर सबसे पहले मैं अपना सिर रखूंगा, इसलिए सिर के बल उतरे। पूरे ब्रजवासियों ने रामकृष्ण परमहंस को रोक लिया, और रामकृष्ण परमहंस को रोक कर पूछा, बताइए गुरुदेव कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर यमुना जी के घाट पर रास करने आ जाती थी। भगवान रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं रात्रि के 12 बजे बताऊंगा कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां घर छोड़कर आती थी। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा,
पूरे ब्रज में बात फैल गई कि रामकृष्ण परमहंस रात को 12 बजे बंसी का व्याख्यान करने वाले, कि बंसी ने ऐसा क्या था जो गोपियां सुध भूल जाती थी, दौड़ कर आ जाती थी, परिवार घर छोड़कर। रामकृष्ण परमहंस 12 बजे नहीं पहुंचे, 1 बज गई 1 बजे नहीं पहुंचे, 1.5 बज गई 1.5 बजे नहीं पहुंचे, 2 बज गई नहीं पहुंचे, 3 बज गई नहीं पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस सुबह 4 बजे पहुंचे, हजारों जनता इकट्ठी हो गई। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, गुरुदेव भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां अपना घर छोड़ के आधी रात को भगवान के पास चली जाती थी। रामकृष्ण परमहंस बोले, भैया वो तो मुझे भी नहीं मालूम कि भगवान की बंसी में क्या था, पर आज भी उनकी बंसी में दमदारी है, इसलिए तुम पूरी रात से यहाँ बैठे हुए हो। आज भी उनकी बंसी में कुछ तो है, पर यही विश्वास मुझे है, आज भी लोग कहते हैं गोवर्धन नाथ जी पत्थर की शिला है, पर्वत की परिक्रमा क्यों कर रहे हो, नालियों में कीचड़ पड़ा है, अरे गोवर्धन पर्वत जाओ तो कितना कितना रोड पर कुल्लड़ पड़ी होती है। हम कहते हैं कुल्लड़ मत देखो, आज भी मेरे बाबा में कुछ तो शक्ति है, नहीं तो सीहोर की गलियों में इतनी भीड़ नहीं होती। ये परमात्मा का शुद्ध प्रबलता है, कुछ उसके नाम में, कुछ उसकी भक्ति में, कुछ उसके प्रताप में, उसकी प्रबलता में, परमात्मा की शक्ति का भाव है। भक्ति का प्रताप और वो भक्ति की मूलता परमात्मा के चरण है, परमात्मा के चरण। महाराज शास्त्र कह रहा है सत्राजीत को मणि दी तो उन्हें सतभामा को दे दिया, सतभामा प्राप्त हो गई, आगे आगे मित्रविंदा कालंदी ऐसी सब रानियों का व्याख्यान। फिर चरित्र आया भगवान के आनंद स्वरूप में जरासंध के साथ, अर्जुन का भेजने वाले भगवान कृष्ण ने भीम को भेज दिया, भीम ने फाड़ दिया, जरासंध के प्राण छूट गए। शिशुपाल की गालियां पूरी हो गई, बुआ का लड़का था कौन, जम के बोलिए शिशुपाल, भगवान कृष्ण की सगी बुआ का लड़का था शिशुपाल, सगी बुआ का लड़का, और वो सगी बुआ के लड़के ने गालियों पर गालियां दी थी, तो भगवान कृष्ण ने कह दिया था, बुआ जी ये भैया मुझे बहुत गाली देता है। बुआ जी बोली, बेटा बड़ा है सुन ले। तो भगवान कृष्ण ने बोला, 100 तक तो सुन लूंगा, जहां 100 पूरी हुई मैं निपटा दू। और यह बात दाऊ जी ने सुन ली, 68 गालियां शिशुपाल बक चुका था, कितनी 68 गालियां पूरी होने के बाद धीरे धीरे गालियां 97 तक पहुंच चुकी थी, कितनी बची थी। और भगवान आज सभा में बैठे हुए थे, जैसे ही सभा में भगवान आए, आते से उनने दाऊ जी को प्रणाम करा, तो शिशुपाल को भी प्रणाम कर लिया, क्योंकि बुआ का लड़का है बड़ा वाला, प्रणाम करा। तो शिशुपाल को जैसे ही प्रणाम करा तो शिशुपाल बोला, ओ चोटे मुझे प्रणाम कर, हट, कितनी हो गई, अरे बोलो 98। भगवान सिंहासन पर बैठ गए, भगवान ने कहा अपना अपना लेखा जोखा दो। शिशुपाल उठ के खड़ा नहीं हुआ, शिशुपाल से कहा, भैया आप भी अपनी नगरी का लेखा जोखा दीजिए। शिशुपाल के तेरे जैसे गाय चराने वाले ग्वाले को, तेरे जैसे गवार को मैं लेखा जोखा नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, दाऊ भैया 99। दाऊ जी ने कहा, कृष्ण बुआ का लड़का है, भगवान बोले इसलिए 100 तक छोड़ दिया है, इसलिए छोड़ा है। दाऊ जी मना कर रहे हैं, कृष्ण बाहर निकलो, भगवान कृष्ण सिंहासन छोड़कर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे तो भगवान कृष्ण जैसे ही बाहर निकलने लगे, तो निकलते से भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ जी भैया द्वारका आओ तो शिशुपाल भैया को भी ले आना, थोड़ी देख के चले जाएंगे।
इतने में तुरंत शिशुपाल खड़ा होकर बोला, तेरे जैसे गवार चोट्टे की द्वार का देखने आऊंगा, भगोड़े की द्वार का? भगवान ने कहा हो गई सो। सुदर्शन उठाकर शीश काट दिया। और जिस दिन व्यक्ति के कपट, छल, छिद्र, निंदा, बुराई, चुगली करने वाले की चुगली, निंदा, कपट जिस दिन पूरी हो जाती है, उस दिन उसका भी अंत निश्चित हो जाता है। उसका भी निश्चित है, निश्चितता का भाव, निश्चितता का प्रभाव। आप प्रेम दीजिए, प्रेम मिलेगा। आप वात्सल्य दीजिए, वात्सल्य मिलेगा। आप करुणा दीजिए, करुणा मिलेगी। आप देखकर देखिए, आपको वो प्राप्त होगा। कई लोगों को चिंता है, इतने लोग कैसे आ गए। जरूर मेरे ठाकुर ने आपको प्रेम दिया होगा, इसलिए आप प्रेम के बल पर ठाकुर को प्रेम देने आए। प्रेम दिया तो प्रेम दे रहे, वात्सल्यता दी तो वात्सल्यता दे रहे, करुणा दी तो करुणा दे रहे। और भगवान जिस भाव से जहां तक जिसको रखता है वो उस भाव तक पहुंच जाता है। पूरे गर्मी में विटले सेवा समिति द्वारा कितनी प्याऊ रखी थी? 21 प्याऊ पूरे शहर में रखी थी। पूरे शहर में 21 प्याऊ रखी। लोगों ने बहुत सराहाया, सेवा करी, सेवा करने वालों ने खूब सेवा करी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो रोज प्याऊ का जो लंबा मटका था उसको उठा के ले जाते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो नल तोड़कर रोज जाते थे। एक व्यक्ति था ब्रज शर्मा, आज मुझे उसकी बहुत याद आई है। टोपी लगाकर सेवा करते थे। वो हमको नहीं कहते थे, फोन पे की बात करते थे। गुरुजी आज वहां के नल टूट गए, मैं वहां जा रहा हूं। आज वहां के नल टूट गए, मैं वहां जा रहा हूं। और वो रोज अपना झोला उठाते सेवा करते। मैंने कहा ब्रज भैया, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सेवा कर ली, ठाकुर जी की कृपा है। और 4 महीना पूरे गर्मी में पानी पिलाया है उस व्यक्ति ने, उसके हाथ में कहीं योग लिखा होगा। और 4 महीने पानी पिलाने के बाद कोई ऐसा कर्म हुआ, अटैक आ गया और वो व्यक्ति चला गया। ये उसने अपने हाथ से पुण्य कर गया। धर्म, सत्कर्म, पुण्य ये उनके हाथ में। किसी भी रूप में हम सेवा, यहां पर सारी महिला मंडल बैठी है, ताम्रकार समाज, स्वर्णकार समाज, मारवाड़ी, सर्वधर्म, ब्राह्मण, चौरसिया, भावसार, नामदेव, खत्री, भावलपुरी, महेश्वरी, अग्रवाल, समाधिया मंदिर, ये सारी जो महिला मंडलों ने, ये सब अपनी अपनी व्यवस्था में तत्पर रही, सब अपनी अपनी व्यवस्था में तत्पर। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। हम ब्राह्मण धर्मशाला में शाम को 4-5 बजे पूरी व्यवस्था करके आए। कोई चला महाशय तो उसमें जजमानों को ठहराना था, भक्तों को, और वहां पर कोई जाके जहां मोटर लगी थी, मोटर के नीचे वो क्या बोला, कंडेंसर, कोई गया भगवान जाने कौन था, वो डंडे से कंडेंसर तोड़ी आया। लोग ठहर गए तो पानी खत्म हो गया। नीलम दीदी तुरंत रात को दौड़ती गई। चंदू शर्मा दौड़ते गए। उन्होंने वहां जाकर चिल्ला चोट करी, ये क्या कर दिया किसी ने कि कंडेंसर तोड़ के चले गए। अभी लगा हुआ था, हम देख कर आई, दीदी देखी, सबने चेक करा, तोड़ गया कोई आया। कोई गया महेश्वरी धर्मशाला में, पानी की केन उन रखी थी, उसको बाथरूम में ढोल कर आ गया। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सीहोर वासियों का भी, आप लोगों ने। परंतु रात को नीलम दीदी और चंदू भैया ने 2 बजे रात को जगाकर वो लाइट वाले को बुलाकर कंडेंसर लगवाया। तब 1:30 से 2 बजे नीलम जी का फोन आया, गुरुजी हाँ भैया हमने वो लगा दिया, आप चिंता मत करना, पानी भरा जाएगा। तब जाकर सुबह पानी की व्यवस्था हो। सेवा
सेवा क्रम में कहीं मेरा निवेदन है, एक पहलू धर्म का सामने है तो अधर्मी भी ढेर पड़े हुए हैं, पर अपने को नहीं कहना, उसके कर्म का दंड वो भोगेगा। आप पुण्य करे जाओ, नौका को आगे बढ़ाए जाओ, जीवन का सुख मिलता जाएगा, जीवन का आनंद, और वो आनंद समाप्त नहीं होने वाला। विटले सेवा समिति के तो कार्यकर्ता अपनी जगह काम कर रहे हैं, पर साथ में जो आपकी संस्थाएं लगी है, साईं सेवा समिति लगी हुई है, कहीं वो दाढ़ी जी, कहीं शर्मा जी, कहीं वो मैं भोला प्रसाद जी महेश्वरी हैं, कहीं कोई, और धन्यवाद दूंगा मैं उस व्यक्ति को, राजेंद्र जी मोदी को, जो पनीर फैक्ट्री वाले यहाँ आकर के कर चले गए, रोज जितना दूध लगे लेकर जाओ चाय पिलाओ, रोज पनीर लगे पनीर ले जाओ, दही लगे दही ले जाओ। लोग कह रहे हैं कि ना जाने कहाँ से आ रहा होगा मिश्रा जी के पास में, क्या पता कौन से राजनेता से मांग कर लाया होगा मिश्रा जी। एक बात याद रखना, एक नेता है मेरा, वो मेरा सांवरिया सेठ और मेरा गोवर्धन नाथ। दुनिया में ना तो कभी किसी के आगे हाथ फैलाया और ना कभी चंदा मांगने गए, अगर मांगा तो मेरे गोवर्धन नाथ जी के चरणों से मांगा। ये देंगे तो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 5,000, 10,000 नहीं से ज्यादा नहीं देंगे। वो देगा तो अटैची लेके तैयार खड़ा रहेगा। वो महेश भोला प्रसाद जी, वो रुक्मणी जी जी, वो ज्योति भाभी सब गई पनीर फैक्ट्री पे, उनसे जाकर कहा भगवान की भागवत हो रही है और रोज इतना दूध लग जाएगा, कब तक महाराज। धन्यवाद दूंगा वो तारा भाभी को जिन्होंने सूचना दी, धन्यवाद दूंगा राजकुमारी मित्तल को जिनके भोपाल वालों ने खबर पहुंचा दी, सुबह की चाय की चिंता मत करना, सारी चाय हम खुद पिलवा देंगे, टेंशन मत लेना। धन्यवाद दूंगा मैं नीलम स्वीट्स वालों को जिन्होंने कह दिया आटे की चिंता मत करना, आटा खुद जाए फोन करना। मैं धन्यवाद दूंगा विजय अग्रवाल को जिन्होंने तुरंत ना मंच से ना कहीं कहीं सूचना नहीं दी और जो 31 पीपे तेल का घर रखकर आ गया। यार कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या क्या हिसाब दूं मैं आपका। एक एक माता जिनके पास कुछ भी नहीं था वो भी 5 किलो साबूदाना ला कर दे दीजिए जी, मैं कैसे आपके भार को उतारूंगा। मैं सोचकर आश्चर्य कर रहा लोगों को लग रहा है कहां से आ रहा है, लाखों रुपए इकट्ठा हो गया होगा। अभी आप यही टेबल पर कार्यकर्ता में, आपको पहले भी जगन्नाथपुरी हरिद्वार और जहां जहां कथा करी सारा अमाउंट कार्यालय से बढ़ता है और मैं सबके सामने बांटता हूँ। आप वहां खड़े होकर रजिस्टर चेक करिए, डायरी चेक करिए कि कितना आया और कितना गया है, कितना दिया गया है। आपको मालूम नहीं पढ़ने देते कब शक्कर खत्म हो जाए, कब रवा खत्म हो जाए, कब घी खत्म हो जाए, दौड़ना पड़ता है। ये प्रभु की कृपा, पर चेहरे पर स्माइल देने का वादा है आपका और हमारा। अंतिम समय तक भी स्माइल घटने ना दीजिएगा, भाव खूब दिया आपने, प्रेम इतना दिया कि उस प्रेम के बल पे मैं आपको कुछ भी नहीं दे सका। आज मुझे दुख इस बात का है कि मैंने कहा था कि मैं पलक पावड़े बिछा दूंगा, पर नहीं बिछा सका, कहीं कुछ गलतियां रह गई। कोपरे गोले वालों के यहां से खबर आई, गुरुजी आपने खबर करी थी कि आखिरी दिन शादी में आखिरी जो निमंत्रण होता है, निमंत्रण के बाद में 5 सुपारी आगे रख दिया जाता है कि ये खा लो, अब आखिरी है हमारी तरफ से। उसने 4 बोरा सुपारियों के पाउच भेज दिए, आखिरी में ही खिला देना। कितनी तैयारी करी आप, मेरी ये माए, एक एक महिला मंडल ये दिन रात लगा रहा टेबल पर, कोई इनको गालियां दे दिया, कोई इनको अपशब्द कह दिया, पर फिर भी हाथ जोड़े मैं पलक पावड़ी नहीं बिछा सका। पर इस विवाह में 108 भागवत में जितना बन सका खूब सेवा कर, आज विदाई का क्षण है मेरे पास में। बहन बेटियों की भी लिस्ट आई है कि शहर की पूरी बहन बेटियों की लिस्ट यहां बनकर आई है। कई लोगों को लग रहा है ना जाने साड़ी कहां से चोर कर लाया होगा,
पूरी 2 साल कथा कर करके जो साड़ी चढ़ी वो पैक करवा कर आप लोगों को वितरण करी जा रही। ये विदाई हमारा प्रेम है, स्वीकार है आप लोग, आप लोगों ने जो दिया, कोई ने अच्छा दिया हमने अच्छा दिया, कोई ने बुरा दिया हमने बुरा लिया, पर ना जाने क्यों सीहोर में जन्म हुआ है हमको भी नहीं मालूम, मिश्रा परिवार में कोई पोथी पुराण नहीं बाजता हमको नहीं मालूम, पहले दादा परदादा की हलवाई की दुकान थी, समाप्त होकर पिताजी ने चने का ठेला लगाया, चने का ठेला लगाते लगाते माँ ने हाथ की चूड़ी बेचकर ग्वाल टोली में एक आटा चक्की डलवा दी, चक्की घाटे में पड़ गई, चाय की ठेला लगाया, कब बसीद होए तब जाकर धन्यवाद दूंगा गीता भाई पारा सर का, धन्यवाद दूंगा चंडक परिवार का और मेरी सारे नगरवासियों का। आज भी मुझे भागवत वाचना नहीं आती, जैसी आती आपको सुना देता हूं, पर प्रयास करता हूं आप तक अच्छे से पहुंचे, ये आपकी प्रेम ये आपकी करुणा। पर बहुत दिया दीदियों, मेरी माँ आप लोगों ने बहुत दिया, घर में भोजन भी नहीं था, इतनी गरीब परिस्थिति थी, इसलिए बाहर के जरी वालों के यहाँ जो अमावस्या पे चीले बनते थे गाय को देने के लिए, वो गाय की रोटी भी मैं पन्नी में बांध कर लिया आता था और बाद में खाता था। आज उसने दिया है, इसीलिए प्रयास करता हूं कि हम जब गरीब थे तो किसी के यहां भोजन के लिए ललकते थे, प्रयास है। मेरे गुरु विठलेश काका जी एक ही बात कहते थे, भूखा मत रख, कथा में जो आए पूरे भंडारे खोल दे खिला दे, और सबसे कह के देना और निकाल कर उनके भी घर से एक अन्न का दाना निकल जाएगा तो उनका घर भी सवर जाएगा। आप लोगों ने खूब दिया जीजियों, एक एक हिसाब आपका मेरे पास में है और मैं क्या हिसाब रखूंगा, रखेगा तो मेरा कार्तिक महीने में सांवरिया सेठ। आप लोगों के इतने भंडार भरे जिंदगी में आपको कभी कमी ना पड़े, और खूब उन्नति करो, खूब बढ़ो, खूब चढ़ो, भगवान आपको खूब दे। 108 ब्राह्मण में भी जो पंडित आए हैं इन लोगों ने भी खूब सेवा करी, कार्यकर्ता में किसका नाम लूं, किसको बोलूं मैं, किसी का नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि इतने कार्यकर्ता हमारे पास तो थोड़े से थे, सब जुड़ गए सीहोर के सब, ये माएं मेरी, मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने मुझे दूध पिलाया है इसलिए मैं इनका बेटा हूं, इसलिए आगे बढ़ बढ़ कर सेवा करती रही, पर नहीं बिछा सका पलक पावड़े जीजियों, जितना बना उतनी सेवा तो मैंने करी है। रात आप लोगों का प्रेम वात्सल्य करुणा, मैं कोई बहुत संत नहीं हूं, साधु नहीं, जोगी नहीं, सन्यासी नहीं, एक कथाकार हूं, अपनी वाणी से कह सकता हूं, आप लोगों से निवेदन कर सकता हूं कि जीवन में किसी को ठेस ना पहुंचाओ, भला करने का प्रयास करिए, खूब आगे बढ़ाओ और खूब बढ़ो, आप बढ़ाओगे आपके बच्चे और अग्रणी भाव में बढ़ेंगे। सब जगह से यहाँ पर लोग पधारे हैं, सब सेवा दे रहे, कोई रसोई घर में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। भगवत तत्व की प्राप्ति का मूल बिंदु हो, भगवान अपनी बुआ के लड़के को कैसे मारूं तो भी भगवान ने 100 गालियों तक छोड़ दिया, और गालियां पूर्ण होने पर भगवान ने उसका शीश काट दिया, शीश काटा। आगे वर्णन आया भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं सुदामा,
लोग उनको गरीब कहें, परंतु भागवत उनको सेठ कहती है। दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति, दुनिया का सबसे दरिद्र व्यक्ति अगर कोई है तो जिसके पास धन तो बहुत है पर दान करने का मन नहीं, वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। और दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है कुछ ना होने पर भी कोई घर से भूखा ना जाए, अन्न का दाना पाकर जाइए, वो सेठ है। बड़े से बड़े सेठ भी इस कथा में आए। हमारे बीच में रेलवे के सबसे बड़े ऑफिसर, पुलिस प्रशासन के, कर्नाटक के यहाँ बैठे हुए, मैं कहूंगा खड़े होकर एक बार जय श्री कृष्ण करिए विक्रम भैया। कर्नाटक रेलवे के सबसे बड़े ऑफिसर हैं ये वहां के, और यहाँ मालूम नहीं पढ़ने दिया इन्होंने कि हम इतने बड़े ऑफिसर हैं, उसके बाद भी इनका सहयोग। यहाँ प्रेम कर्नाटक से गुलबर्गा से खींचता हुआ यहाँ लेकर आ गया। बड़े से बड़े सेठ भी आए तो वह भंडारे का भोजन पाए चले गए, और साधा व्यक्ति भी आया तो पाकर चले गया। जो मिला आपको समर्पित किया। सुदामा गरीब नहीं है, सुदामा सेठ है, किसी को भूखा ना रखे। और लोगों ने कहा, पत्नी खुद बोल दी कि आप जाइए द्वारकाधीश के सामने जाकर कहिए, कुछ मांगिए। सुदामा जी कहते हैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, मांगने नहीं जाऊंगा। और यही सुदामा, क्योंकि हम कथा में आपको हमेशा कहते आए कि सुदामा गरीब नहीं सेठ था, तो फिर मांगने क्यों जाए, सेठ क्यों मांगे। उसी तरह प्रयास रहता है कि विठले सेवा समिति किसी के दरवाजे पर चंदा मांगने नहीं जाए। जो पंडाल में दे दिया वो रख लीजिए, ये प्रदान करने वाले दे दिया वो रखो। सहयोग जो दे रहे वो भाव से दे रहे, और देता कौन है, जिसको मेरे जगन्नाथ मेरे द्वारका नाथ ने दिया है वही देता है, जिसको नहीं दिया वो क्यों देगा। वो प्रभु दिया है इसलिए दिया है। आप भगवान सुदामा जी पत्नी के कहे, पत्नी पड़ोसी की यहाँ गई, तंदूल लेकर आई है, तंदूल को ला कर दिया, बाजू में पोटली दबा कर लेकर चल दिए। पहुंचे दरवाजे पर, आवाज लगाई, कन्हैया दौड़ कर आए, सुदामा को गले से लगा कर सिंहासन पर बिठा दिया। रुक्मणी जामंती सतभामा जल लेने कहीं जा नहीं रही, भगवान ने नेत्र अश्रु से सुदामा जी के चरण को पखाड़ दिया। नेत्र अश्रु से चरण को पखारा, पांव में कांटा था खींचा, पमूल का कांटा दांतों से निकाल दिया। किसी की राह के कांटे को अगर संवार दोगे, निकाल दोगे, तो जिंदगी सार्थकता की ओर लेकर जाएगी। समय बीता, रहे सुदामा, पोटली हाथ से चली गई। जो लोग तंदूल लाए हैं वो अपने पास ही रखेंगे, बाद में देंगे। और गई पोटली हाथ से, तंदूल लिए निकाल, लगे फांकने प्रेम से, द्विजवर हुए निहाल। बोले हे मित्र सुदामा, तुम अति प्रिय तंदूल लाए हो, कैसा अमृतमय स्वाद रहा, फिर भी तुमने छुपाए। तंदूल फाके, तीन मुष्टिक में सब प्रदान कर दी। भगवान ने पूछ लिया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई, कितने दिनों में आया, बताओ मेरे यार सुदामा रे भाई, बड़ा दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा सुदामा रे भाई, बड़ा दिनों में आया। बालक थारे जब आया करता रोज खेल के, करता बालक थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता, गया क्यों हार सुदामा रे भाई, बड़े दिनों में
हर सुधा मारे बैगड़ा दिला में आया बता मेरे यार सुधा मारे बैगड़े दिला में आया बता मेरे यार सुधा मारे बैगड़ा दिला में आया दोनों हाथों से दर की ठोकर खानी अरे सुना दे कुटुंब कहानी क्यों दर दर की ठोकर खानी डोंडे की मार सुधा मारे बंगड़े दिनों में आया डोंडे की मार सुधा मारे बैगड़ा दिनों में आया बता मेरे यार सुधा मारे बैगड़े दिनों में आया बता मेरे यार सुधा मारे आया बच्चों का हाल बता दे मिसरानी का हाल सुना दे की मार सुधा मारे बैगड़े दिनों में आया बते की मार सुधा मारे बैगड़ा दिनों में आया बता मेरे यार सुधा मारे बैगड़े दिनों में आया बता मेरे यार सुधा मारे बैगड़ा दिनों में मेरे यार सुधा मारे बैगड़ा दिना में आया बताओ मेरे यार सुधा मारे बैगड़ा दिना में आया बता मेरे यार सुधा मारे गणा दिना में आया बताओ मेरे यार सुधा मारे बैगड़ा दिना जय जय श्री भगवत तत्व का सुख मूल स्थापित हुआ सुदामा जी कुछ दिन रहे निवास कर अपने पवन की ओर चले समय आया तीन लोक का राज्य मेरे द्वारकाधीश ने सुदामा को दे दिया आगे वर्णन आया द्वारकापुरी के नजदीक में संत आए जामंती के पुत्र ने स्त्री का कपड़ा पहनकर पूछा छोरा होगा छोरी वस्त्र से मूसल निकलेगा वह पूरे यादव वंश को नष्ट करेगा मूसल निकला उसको दाऊ जी ने पिटवा कर पिसवा कर समुद्र में फेंक दिया छोटा सा टुकड़ा मछली ने निगल लिया मछली को काटा तो उसमें से एक मूसल का टुकड़ा निकला जिसको घिसकर भांड तैयार करा और चारों तरफ भगवान ने कह दिया ये द्वारका जल में मग्न होने जा रही है सब छोड़कर चले जाओ द्वारका छोड़कर गए दाएं चरण पर बायां चरण था भगवान ने श्रीमद् भागवत को अपने हृदय से प्रकट कर उद्धव जी के हाथ में दे दी उद्धव इस भागवत को लेकर जाओ बद्रीनाथ में ले जाकर रखना बद्रीनाथ भागवत और जरा नाम के व्याघ्र ने बाण छोड़ा भगवान के पांव के तलवे में लगा भगवान परम धाम को चले गए देवता पुष्पों की वृष्टि कर दिए गंधर्व गान करे अप्सरा नृत्य करे भगवान पहुंचे
आगे उद्धव जी महाराज ने भगवान की पटरानियों को भोज आदि का आदि व्यवस्था कर कथा श्रवण कराई गोवर्धन में। और आगे का जो चरित्र वर्णन किया गया, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, परीक्षित आज सातवां दिन पूर्ण हो रहा है, तक्षक नाग डसने आएगा, तू मेरा गंगा जल से तिलक करके गंगा रेती का दान कर दे। बिना दान करे कथा श्रवण करने का लाभ नहीं है, कुछ दान कर। परीक्षित ने गंगा जल से तिलक करा, गंगा रेती का दान दिया। सुखदेव जी महाराज विदा हुए। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक कांच का महल बनाया, उस महल में रखा, फिर भी तक्षक नाग आकर उनको डस लिया। सर्प यज्ञ किया, सर्प यज्ञ बंद करवाया, तुम्हारे पिता बैकुंठ में हैं, तब सर्प यज्ञ बंद हुआ। फिर आगे जो वर्णन आया, मार्कंडे बाबा ने बड़ के पत्ते के ऊपर भगवान के बाल स्वरूप विराट स्वरूप का दर्शन किया, भगवत तत्व को धारण कर, और बिना कुछ सेवा क्रम के सुख की अनुभूति नहीं हुआ। सेवा, कई लोग दरवाजे पे भी सेवा, हमारे पेड़ीवाल जी हैं, नागोरी जी हैं, नंदलाल जी हैं, पंकज भी हैं, शिव मेहता हैं, गोविंदा है, आमुआ से आए हुए मनीष जी हैं, सभी जो जो है वो सेवा करने वालों का भाव प्रकट। और उसमें सबसे बड़ी अगर कोई धार्मिक सेवा का आनंद सुख दिया, तो मैं तो कहूँगा एक बार विनय जी, विवेक जी और कपिल जी रूठिया के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने इस भूमि का सहयोग प्रदान करा कि देकर कि यहाँ कार्यक्रम कर लिए। अगर वो पंडाल में कहीं बैठे हैं तो मेरा निवेदन है वो यहाँ पधारें मंच पर। विनय जी रूठिया, विवेक जी रूठिया, कपिल जी रूठिया, गौतम रूठिया, हेमंत रूठिया, अगर कहीं हो तो यहाँ पंडाल में आए। ऐसा भगवत तत्व का सुख है महाराज, जो जीवन का आनंद देने वाला। महाराज कथा को विराम की ओर लेते हैं, और भगवान मार्कंडे बाबा का स्मरण कराया, भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कर जीवन का सुख पाया। विराट स्वरूप का दर्शन केवल तीन को हुआ है, कौशल्या माता को, अर्जुन को, और भगवान के सुंदर भाव रखने वाले मार्कंडे बाबा। भागवत जी के अंतिम दो श्लोकों को अपन भी हाथ जोड़कर विदा लें कि नमस्तमे भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यदम कृपया कस्मे विमुक्षते मुमुक्षवे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुक्ष्मतमं नमामि हरि परम। इस देश को ये दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। सूरज बदले, चंदा बदले, बदल जाए ध्रुव तारा, पर भारत की आन न बदले, ये संकल्प हमारा। बोल भागवत महापुराण की जय। सात दिवसीय भागवत कथा जो यहां चल रही है, उस पुनीत पावन कथा का जो आनंद तात्विक सुख है, वो सुख देने वाला भगवान की भक्ति का एक प्रतिबिंब भागवत पुराण। कार्तिक के महीने में जिन्होंने अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए भागवत बिठाई है, उन सभी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने इस विशाल आयोजन में हमारे ये विनय विवेक जी रूठिया रूठिया परिवार, जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने इस भूमि पर इतने बड़े यज्ञ के लिए स्वीकृति देकर अपने जीवन को, परिवार को तारा है, बहुत बहुत साधुवाद। जिसने भी जिस रूप में हमारे टेंट वाले, इतना बड़ा पंडाल व्यवस्था कराने वाले श्री अजय जी सोनी साइना डेकोरेशन से अगर कोई हो तो वो आए, हमारी ओर से उनको भी निवेदन है। और जिन्होंने भोजन बना बना कर हजारों लोगों को भोजन कराया, प्रतिदिन 5,000 आदमी का भोजन चल रहा था, 3 दिन 16, 17 और 18 9,000 लोगों का भोजन बना है। और जिस दिन भगवान का मंगल विवाह था उस दिन 15,000 लोगों का भोजन यहाँ पर निमित किया गया था,
ऐसे भाव से आप लोगों ने जो भोजन करा, श्री मधु हलवाई जी जोधपुर से अपनी पूरी टीम को लेकर पधारे थे, जिन्होंने सेवा दी है। ये भगवत कृपा है। आप सभी माताओं ने जो दान दिया, पुण्य करा, सत्कर्म करा, पिटले सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर सभी कार्यकर्ता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आकर सेवा दी है, किसी भी रूप में यहाँ पहुंचे हैं। सारी महिला मंडल, चाहे वो किसी भी समाज की हो, उन्होंने किसी न किसी रूप में सेवा दी है। और धन्यवाद दूंगा सभी श्रोता भाई बहन को जो यहाँ समय समय पर 9:30 बजे से पहले अपना कथा विराम, अपना घर का काम पूरा कर कर दौड़ दौड़ कर कथा पंडाल में पहुंचे हैं। धन्यवाद दूंगा सभी, कई लोगों ने अपने घर खोल दिए, पुरुषोत्तम जी चौरसिया सामने का मकान खाली कर कर दिया, बाद में बाजू में राठौर बहन जी उन्होंने पूरा घर दे दिया, ऐसे कई लोग नारायण पैलेस वाले हैं उन्होंने वहाँ व्यवस्था कर दी, पार्वती होटल में यहाँ व्यवस्था कर दी, उधर सिल्वर क्वाइन में चौरसिया परिवार की होटल है उसमें व्यवस्था करवा दी, महेश्वरी समाज ने महेश्वरी समाज में व्यवस्था करा दी, ब्राह्मण समाज ने ब्राह्मण समाज में व्यवस्था करा दी, स्वर्णकार समाज ने स्वर्णकार के समाज के जितने कमरे थे वो सारे भवन के खोल दिए, शिवा होटल में ताम्रकार जी ने व्यवस्था करवा दी, आधिक आधिक जगहों पर कार्यमंगलम में आधिक में व्यवस्था करवा दी, खूब व्यवस्था आप लोगों ने करी, कोई बोलने में कहने में व्यवस्था में कमी हो तो आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। समिति अपनी है, आपकी है, आप ऐसे आशीर्वाद देते रहना और जीवन में सत्कर्म करते रहें। दुनिया कुछ भी कहती रहेगी पर लोग ये ना सोचें कि सीहोर के महाराज कार्यक्रम करना सीहोर में बंद कर दें या किसी भी रूप में ये परेशान करेंगे तो आगे से लोग करने नहीं देंगे, तो अपना एक फर्ज है। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग्य जगे राणा जी तेरे, आज यहाँ कथा कर ली है स्वयं भगवान आशीर्वाद देने के लिए, छत्र छाया करा है, देखो पूरा माहौल ऐसा हो गया जैसे परमात्मा भी रो रहा हो विदाई के क्षणों में, परमात्मा भी। जीजियों, मैं किसी का भी अब नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत हैं हमारे बीच में, यहाँ पत्रकार बंधुओं भी विराजमान हैं, एक बार इनको भी नमन करते हैं, पूरे पत्रकार संघ को, पूरी टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है। आप लोगों ने जो संपूर्ण मीडिया के अंतर्गत इस कथा को जन जन तक पहुंचाया है, जिन दानदाताओं ने मीटिंग में जब पहली मीटिंग करी थी, दानदाताओं ने नाम की घोषणा करी थी, उसमें जिन जिन दानदाताओं ने नाम दिए थे, दान दिया था, उनके नाम हमारे भरत जी अग्रवाल पहले बोल चुके हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आरती, आरती के बाद में भंडारा भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे, जिन्होंने होटलों के रूम ले रखे हैं उनसे निवेदन है अपने अपने होटल के रूम भोजन करके जाने के बाद खाली कर दें, और जो जिनके ट्रेन के टिकट कल के हैं उनसे निवेदन है, हमारे पुरुषोत्तम जी चौरसिया जी ने अपना मकान दे रखा है, तो आप, क्योंकि इसके बाद हलवाई लोग भी शाम को चले जाएंगे, आप लोगों का भोजन हमारे घर पर बन जाएगा, तो जितने भी लोग एक्स्ट्रा अगर रात को रुकते हैं कल आज रात को, तो वो हमारे घर पर पहुँचें, हमारे घर पे से हम व्यवस्था सामने आदरणीय पुरुषोत्तम जी चौरसिया जी के यहाँ, परमार जी के यहाँ, और पीछे हमारे यहाँ सिंधुवर सर्विस वाली काकी जी यहाँ बैठी हुई हैं, उनके यहाँ व्यवस्था करवा देंगे, तो वहाँ से आप लोग कल भी जा सकते हैं। तो आप लोग होटल के रूम, धर्मशालाओं के रूम सब खाली कर देंगे, और जो रात रुक रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था हमारे घर पर ही रहेगी रात्रि को, और वहीं पर सारी व्यवस्था आपके रुकने की करवा दी जाएगी। आप लोग होटलों के रूम, क्योंकि होटलों के रूम या धर्मशाला आदि के रूम डबल से ना लगें, ज़्यादा ना लगें, इसलिए आप अपने होटलों के रूम खाली कर कर हमारे घर पर शाम के समय आप लोग खाली कर कर पहुँचें।